हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 5.4 का। दोस्तों आज की पूरी वीडियो में हम प्रश्नावली 5.4 को हल करके आज की ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त कर देंगे। दोस्तों तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, प्रश्नावली 5.4 का जो आपका पहला सवाल है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा। आप वहां से पढ़िएगा सवाल को और हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। दोस्तों क्या करा है दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्नावली 5.4 का पहला सवाल है, एपी दी गई है। क्या दी गई दोस्तों? एपी दिया गया है। वो एपी क्या है आपको? 121 है, फिर कितना है? 121, फिर उसके बाद 117 है, कितना है? 117 है, फिर उसके बाद 113 दिया गया, कितना दिया गया? 113, फिर डैश डैश करके ऐसे दिया गया। फिर पूछ रहा है का कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा। ये आपको एपी दिया गया है और इसमें आपको बताना है कि इस श्रेणी का धीरे 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 ऐसे घटाते चले जाएंगे तो बताएंगे कि कौन सा पद ऋणात्मक आएगा, श्रेणी का सबसे पहला कौन सा पद होगा, इसमें सबसे पहला ऐसा कौन सा पद आएगा जो ऋणात्मक होगा। तो मान लेते हैं इस श्रेणी का एनवा पद, इस श्रेणी का एनवा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। माना श्रेणी का, माना श्रेणी का एनवा पद, क्या माना श्रेणी का एनवा पद पहला पद ऋणात्मक होगा, पहला पद ऋणात्मक होगा, क्या होगा? पहला पद ऋणात्मक होगा, ये हम मान लेते हैं। तो हम श्रेणी का एनवा पद का फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, क्या होता है? ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या लगा देते हैं? डी लगा देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, यहां ए एन हमको नहीं पता है परंतु एक चीज पता है, ए इक्वल टू आपको पता है 121 है दोस्तों, ठीक। उसके बाद आपको क्या दिया गया ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना दोस्तों, आपको क्या दिया गया है कि यहां पर a इक्वल टू 121 है, फिर उसके बाद d चाहिए। तो d क्या होता है, इनमें से ये घटा देते हैं तो 117 माइनस कितना हो जाएगा 121, घटाएंगे तो माइनस 4 दे दिया जाएगा। और आपके प्रश्न में एक चीज और दिया गया दोस्तों, वो हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो एक चीज और दिया गया है, जो an है वो जीरो से क्या है? छोटा। an जो है वो जीरो से क्या है? छोटा है। ये चीज आपको दिया गया है, ये चीज an जो है वो जीरो से क्या हो रहा? छोटा दे रहा। ये भी आपको दे के रखा है, इस बात को हम ध्यान देंगे, an जो है वो जीरो से क्या है? छोटा है। तो चलिए हम करते क्या है, यदि इसी फॉर्मूले को पलट के रखें, अर्थात हमारे कहने का मतलब है यदि हम इसे ऐसे लिखें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा an जो है छोटा होगा, an जो है वो किससे होने वाला है? छोटा होने वाला है। तो ये जीरो से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा कि जो an, ये an के स्थान पर हमने रख दिया, an के स्थान पर रखा, या तो हम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो आपको ये चीज उठाइए, आप डायरेक्टली ये चीज उठाइए, an जो है जीरो से क्या है? छोटा है। तो an के लिए हम लोग रख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लेस देन जीरो, ठीक। a की वैल्यू यहां रख देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है? 121 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है? माइनस 4 है, ठीक, ये लेस देन जीरो। अब ये प्लस 121 उधर जाएगा तो माइनस 121 होगा, एन माइनस वन, ये माइनस 4 है, ठीक। ये देखिए, ये प्लस 121 इधर जाएगा तो माइनस 121 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों अब क्या होने वाला है, ये माइनस 4 इधर की तरफ जाएगा तो एन माइनस वन होगा, फिर ये इधर लग जाएगा, लेस का निशान है, ये माइनस 4 इधर जाएगा तो गुणा में है इधर,
क्या है दोस्तों, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, -4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एन माइनस वन लेस देन 121 अपॉन 4, ये माइनस वन उधर की तरफ जा रहा है इस बार, तो क्या आ जाएगा 121/4 प्लस क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, 4 1 का लसअप आप लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 4 1 के 4 तो ये 121, 1 4 के 4 तो 4 आ गए, आप हल करोगे तो यन बराबर आ जाएगा 125/4, तो आप भाग दे देंगे तो 4 3 12, फिर 4 1 के 4 31 दशमलव कितना आएगा, लगभग 2 आएगा, तो यन की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है दोस्तों वो देखिएगा, यहाँ एन लेस देन है 31.2, अर्थात अगर हम चर्चा करें तो यहां पर जो श्रेणी है, जो श्रेणी का ऐसा कोई पद नहीं आएगा जो 31.2 हो, 31 के बाद 32वां आता है, 32 बाद 33वां आता है, अर्थात ये 31 से ज्यादा है, जो ये यन है, ये देखिए जो ये 31 है, ये जो हमको पद प्राप्त हो रहा है 31वां पद ऋणात्मक नहीं है, 31वें के बाद आने वाला पद ऋणात्मक होगा, अर्थात श्रेणी का जो ऐसा कौन सा पद है लिखेंगे, चूंकि 31.2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, 31.2 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः 32वां पद क्या दोस्तों, 32वां पद प्रथम ऋणात्मक होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा, ये आपका कह रहा है, प्रथम ऋणात्मक पद होगा, ये आपका यहाँ सवाल क्या होता है पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। हे गाइस, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरा का, दूसरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, कह रहा है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है, तो एपी के प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी जो जो दिया है पहले हम उनको लिखते हैं, A3 और A7, यानी तीसरे और सातवें पदों का जो योग है वो कितना है 6 है, कितना है 6 है, और उनका गुणनफल यानी A3 × A7 यानी इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है दोस्तों 8 है, कितना है 8 है, तो इनके प्रथम 16 पदों का यानी x16 यानी ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम इनको आराम से ज्ञात करने वाले हैं, चलिए देखते हैं क्या है आपका क्या कह रहा है, देखिए हम A3 को लिख सकते दोस्तों A+2D और A7 को लिख सकते हैं A+6D इक्वल टू कितना दोस्तों इधर 6 है, तो इनको हल करते हैं, इनको हल करेंगे तो आ जाएगा 2A और 6 2 कितना हो जाएगा 8D बराबर 6, 2 से क्या करते हैं दोस्तों भाग दे देते हैं, जब हम 2 से क्या कर देंगे भाग देंगे तो ये A आ जाएगा, ये 4D आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेम टू प्रोसेस हम इधर भी करने वाले हैं, A3 को लिख सकते हैं A+2D और A7 को लिख सकते हैं A+6D और उसके बाद उधर कितना है 8 है, अब A का मल्टीप्लाई ऐसे कीजिए A² फिर A का मल्टीप्लाई 6D से करेंगे तो 6AD आ जाएगा और इनका करेंगे तो 2AD आएगा, इनका करेंगे 2 × 12D² आएगा बराबर 8। अब हम इनको थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं, A² पहले इसको लिख देते हैं 12D² फिर 6 2 8 AD इक्वल टू कितना 8, समीकरण नंबर 2। अब हम करते क्या है, यहां से हमको समीकरण 1 और 2 को हल करके हमको A और D की वैल्यू चाहिए, तो करते क्या है समीकरण 1 का वर्ग करके समीकरण 2 में से घटा देते हैं, बस यही लगा रहे हैं, समीकरण 1 का वर्ग वर्ग माइनस समीकरण 2, ठीक ये है, चलिए ध्यान से देखते हैं, अब हमने क्या लगाया है कि समीकरण 1 का वर्ग और समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो समीकरण 1 का वर्ग यानी A² 4D का वर्ग करेंगे तो 16D² 2 × 8AD, ध्यान दीजिएगा 8AD और ये 3 3 का कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों यहाँ A+B का होल स्क्वायर से वर्ग किया गया, ठीक इधर देखते हैं ये कितना है A² प्लस कितना है 12D² प्लस 8AD और बराबर कितना है 8 है, ये चीज क्या कर देते हैं हम माइनस कर देते हैं, ठीक आइए
ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4d वर्ग आ जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे 1, ये चीज उधर ले जाते हैं दोस्तों तो डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/4, इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर कर्णी लग जाता है 1/4, और ये चीज जब बाहर आएगा तो डी बराबर प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। तो यानी दोस्तों यहाँ डी की वैल्यू आपको 2 प्राप्त हुई है, डी की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, तो या तो प्लस 1/2 या तो माइनस 1/2। तो यहां से दोस्तों हमको डी की वैल्यू जब ए 2 प्राप्त हुई है तो ए की भी वैल्यू हमको यहां पर 2 प्राप्त होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, आइए अब हम इधर चल रहे हैं। डी बराबर एक बार डी बराबर प्लस 1/2 लेने पर, जब डी बराबर हम प्लस 1/2 लेंगे तो यहां पर समीकरण 1 से ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बराबर क्या होगा, देखिए ए प्लस 4, डी के स्थान पे क्या रखेंगे दोस्तों 1/2 बराबर कितना है 3, 2 × 2 = 4, ठीक, ए प्लस 2 बराबर कितना 3, प्लस 2 उधर गया दोस्तों कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, ए बराबर कितना आ जाएगी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हम क्या करते हैं अगली पक्ष में क्या लेते हैं, d बराबर माइनस 1/2 ले लेते हैं, कितना d बराबर माइनस 1/2 लेने पर, तो दोस्तों d बराबर जब हम माइनस 1/2 लेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 क्या कहता है, देखिए a प्लस 4d, d के स्थान पे माइनस 1/2 और इक्वल टू कितना है 3, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ए 2 का गुणा 1 से करेंगे माइनस 2 बराबर 3, माइनस 2 उधर जाएगा दोस्तों तो प्लस 2 हो जाएगा 3 प्लस 2, ए बराबर कितना 5। यानी एक बार मुझे डी की वैल्यू माइनस 1/2 मिला है, देखिए एक बार डी की वैल्यू माइनस 1/2 है और एक बार डी की वैल्यू प्लस 1/2 है और 1 है, यानी यहाँ डी का मान 1/2 और ए का मान 1 है, यहाँ पर ए माइनस 1/2 यहाँ पर 5, तो एक बार हमको ये यहां से यह 16 निकालेंगे, एक बार यहां से निकालेंगे, तो एक पद हम निकाल देते हैं दोस्तों, एक आप निकाल लीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम ये वाला लेकर हल कर दे रहे हैं, आप उसको लेकर हल कर दीजिएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एस 9 इक्वल टू हो जाएगा एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए लगा देते हैं फार्मूला, एन के स्थान पर 16 है तो यस 16 इक्वल टू यहां 16/2 हो जाएगा, 2 a की वैल्यू कितनी है 1 है यहां पर, फिर 16 माइनस 1 और d की वैल्यू भी 1/2 है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हल करते हैं, 16 दूनी कितना हो जाए, ये 8 आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा दोस्तों, 16 में से 1 घटा देंगे 15 × 1/2, इसी को अब हल करना है दोस्तों, ये 8 आएगा 2 प्लस 15/2 आ जाएगा, हल करेंगे तो 19/2 आएगा, कितना 8 × 19/2, 2 × 4 = 8, 19 × 4 = 76, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 76 प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा 76, यानी 16 पदों का योगफल है वो 76 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब आप d की वैल्यू माइनस 1/2 और a की वैल्यू 5 लेकर आप जो है अपना रिप्लाई जरूर कमेंट में दीजिएगा दोस्तों, कि कमेंट में क्या इसका क्या उत्तर आने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर प्रश्न की, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिखाई पड़ रहा होगा, संलग्न चित्र में एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये देखिए सीढ़ी के जो डंडे हैं, ये सीढ़ी के जो डंडे हैं ना, ये क्रमागत 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक सीढ़ी, दो डंडे, तीन डंडे, चार डंडे, पांच डंडे, पता नहीं कितने डंडे हैं, और प्रत्येक डंडे के बीच की जो दूरी है 25 सेंटीमीटर है। आगे क्या करा ध्यान से देखिएगा, और डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जा रही, मतलब जैसे ज्यो 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 आगे आप बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे डंडे की लंबाई धीरे 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 घटती चली जा रही है, तथा 25 सेंटीमीटर सबसे निचले डंडे की लंबाई है और 45 सेंटीमीटर सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और सबसे ऊपरी वाले डंडे की लंबाई 25 है, ये देखिए ऊपरी वाली 25 सेंटीमीटर है और ये 45 सेंटीमीटर है, ये देखिए ना, तो सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2/1 मीटर है, मतलब पहले और अंतिम डंडे की लंबाई ये है,
तो डंडों के बनाने के लिए, डंडों को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता पड़ने वाली, कितने लंबाई की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात ये जो डंडे बनाए गए यहां से लेके यहां तक के बीच में कितनी मीटर लंबी लकड़ी हो कि आप डंडा बना सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन और जबरदस्त और लाजवाब, सरल, एकदम मक्खन के जैसा आएगा दोस्तों। देखते रहिएगा क्या करा, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो प्रथम डंडे की बीच की दूरी, प्रथम, या तो हम ऐसे लिख दें, क्या है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रथम डंडे की बीच की जो दूरी है वो हम क्या मान लें, वो हम क्या मानते हैं, ये ध्यान। तो अगर हम शुरुआत यहां से करें, कहां से करें, यहां से, ठीक, तो अंतिम आपकी ये होगी। अगर हम शुरू यहां से करें तो अंतिम आपकी ये होगी, ठीक। तो हमको शुरू यहां करना है, ठीक। क्वेश्चन में एक बार आप क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा दोस्तों, कहां से क्या करा, डंडा घट रहा है या क्या हो रहा है, ये आपको देखना है, तो आपको शुरुआत यहां से करना है, ये यहां से करना है अंतिम। तो ध्यान से देखिएगा, तो प्रथम डंडे की लंबाई, प्रथम डंडे की लंबाई दोस्तों, आप चाहे इधर से लगाओगे चाहे उधर से लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर वही आएगा। प्रथम डंडे की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये आपका एक ही बेल काम करेगा, किसका काम करेगी, और अंतिम डंडे की लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। अंतिम डंडे की लंबाई यानी L, L को अंतिम पद से दिखाते हैं ना, तो अंतिम डंडे की लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको पता करना है कि इसमें कितने डंडे लगे हैं, तो सबसे पहले प्रथम और अंतिम ना, पहले और अंतिम, पहले और, यहां से देखिएगा, पहले और अंतिम डंडे के बीच की दूरी, अंतिम डंडे के बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो दूरी कितनी है, 2 सही 1/2 मीटर। हम इनको पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि सारा डेटा सेंटीमीटर, 2 × 2 = 4 = 1 = 5, 5/2 × 100 कर दे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। 2 × 1 = 2 = 50 × 100, 50 × 5 कितना आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर, अर्थात यहां से लेके यहां तक की दूरी 250 सेंटीमीटर है। अब 250 सेंटीमीटर में कितनी सीढ़ियां हैं ये पता, कितनी डंडे हैं, तो एक डंडे के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। एक डंडे के बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो भाई चाहे आप यहां से शुरुआत करोगे तो भी इसको छोड़ दिया जाएगा, ये तो एक एक डंडा हमेशा प्लस में रहने वाला है, तो 250 दूरी है, 250 दूरी है, और प्रत्येक डंडे 25 25 25 25 सेमी पर, तो 25 से 250 को भाग दे दे तो 25 × 250, और एक जो आप छोड़े हो 10 × 11 हो जाएगा, मतलब सीढ़ियों की संख्या 11 है। तो उसे लिखेंगे कैसे, उसको ज्ञात कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या, डंडों की कुल संख्या, डंडों की कुल संख्या, डंडों की कुल संख्या जो है वो कितनी होगी, 250 / 25 + 1, ये 10 आ जाएगा, 10 + 1 = 11। अब क्या पूछ रहा था, कितने डंडों को बनाने में लकड़ी की लंबाई, तो लिखेंगे डंडे बनाने में उपयुक्त उपयुक्त कुल लकड़ी की लंबाई, कुल लकड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो ध्यान दीजिएगा, लकड़ी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, SN = N/2 A + L, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ N की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो 11/2, A की वैल्यू कितनी है, 25 है, L की वैल्यू कितना है, 45। चलिए 11/2, 25 और 45, 40 × 20 = 60 = 70 आ जाएगा, और कटा देंगे तो 35, 11 × 35 करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 38 कितना आ जाएगा, 33 × 5 = 38, ये 385 सेंटीमीटर आ जाएगा।
यानी लकड़ी कुल कितनी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, 385 सेंटीमीटर लकड़ी की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो दोस्तों आपको चौथा नंबर प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, कह रहा है एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है, दर्शाइए यक्स का ऐसा मान है जो दर्शाइए कि यक्ष का कोई ऐसा मान है जो कि यक्ष अंतिम मकान से और पहले मकान अंतिम मकान से पहले मकान की संख्याओं के योग उसके बाद आने वाले मकान के संख्याओं के योग के बराबर है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपसे कहा क्या रहा है कि 1, 2, 3 ... करके 49 तक मकानों की संख्या अंकित की गई है। आपको यहां पर एक्स ऐसी संख्या है, यक्ष एक ऐसी संख्या है जो कि पहले, यहां से देखिए यक्ष एक ऐसी संख्या है, ये कहां पर वो संख्या है जो कि पहले और अंतिम, यानी ऐसी कौन सी संख्या है, यहां पर एक संख्या ले लेंगे वो संख्या यक्ष है, यानी यहां से लेके मकान की संख्याओं का योग और यहां से लेके मकान की संख्याओं का योग आपका इक्वल है, यही प्रश्न आपसे कह रहा है। तो आप बताइए वो यक्ष की वैल्यू क्या है, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से सवाल को देख ले होंगे। तो मानते हैं कि माना जो वह संख्या है दोस्तों, वो जो संख्या है वो क्या है, एक्स। माना वो संख्या क्या है, एक्स है। माना वह संख्या कितनी है, एक्स है। वह संख्या कितनी है, एक्स है। ठीक, वो संख्या कितनी है दोस्तों, एक्स। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही, किसी को कोई डाउट? जहां से प्रथम व अंतिम मकान, प्रथम और अंतिम, ये वाला अंतिम वह नहीं, प्रथम व अंतिम मकान का योगफल, अंतिम संख्याओं का योगफल, अंतिम संख्याओं का योगफल इक्वल टू तथा तथा अंत वा तथा प्रथम से अंतिम संख्याओं के योगफल के क्या है, बराबर तथा एक्स से लेकर, तथा एक्स से लेकर अंतिम संख्याओं का योगफल, अंतिम संख्याओं का योगफल। ठीक, अब ध्यान, मैं आपको समझा रहा हूं जो मैंने लिखा है, ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा क्या, वो पूछ क्या रहा कि यक्ष का अयक्ष इन्हीं में से, यक्ष एक ऐसी संख्या है जहां से लेकर, जहां से इधर का योगफल और इधर का योगफल आपको बराबर ढूंढना, बस यही चेक करना है। चलिए तो यहां से हम लिखते हैं, जब हम यहां से पहले मकान की तरफ आएंगे तो पहले मकान के जब यहां से पहले मकान का योगफल निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा एस एक्स माइनस वन, यानी इधर से हम धीरे धीरे घट रहे हैं, इधर की तरफ घट रहे हैं दोस्तों, एस एक्स माइनस वन इक्वल टू, अब क्या कर रहा, एक्स से लेकर अंतिम संख्या यानी यहां से लेकर यहां तक, तो अंतिम संख्या का योगफल कितना है, एस 49 यानी 49वें पदों का योगफल, और कहां से एक्स, तो माइनस एस एक्स लगा दिए। ठीक, यही आपको हल करना, बस ये आप हल कर लीजिए, ये हल कर लीजिए, आपको एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ध्यान से देखिए आप, अब हम इनकी कैसे हल करते हैं, हमारे पास एक ही इकलौता फार्मूला होता है, एस एन बराबर एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए इसी फार्मूले का मदद करेंगे, यहाँ एन के स्थान पे क्या एक्स माइनस वन बटे कितना है, दो है, फिर टू ए कितना है, टू ए की वैल्यू यहां से ले लेंगे एक है, ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एक है। ठीक, प्लस एन माइनस एन के स्थान पे एक्स माइनस एक, और उसके बाद एन माइनस, देखिए एन माइनस तो माइनस वन हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, कुछ तो है नहीं, इंटू कितना, पर एक बात यहाँ एक्स माइनस वन कितना है दोस्तों, बटे दो, देखिए नहीं ठीक है, इतना यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद इंटू डी, डी की वैल्यू भी देखिए एक में दो फिर दो में एक, तो दो में से एक घटाएंगे एक आएगा, तो डी की वैल्यू भी एक है। ठीक, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ भी यही हल करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा एन बटे दो, यानी 49/2, फिर टू ए की वैल्यू वही है एक ही है, तो टू ए प्लस
एन माइनस वन यानी 49 माइनस 1 ठीक, इंटू डी, डी की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, फिर माइनस एस एक्स, एक्स मतलब एक्स बटे दो, फिर 2 ए, 1 की वैल्यू वही 1, प्लस एन माइनस वन, एन यानी एक्स माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 1 ठीक। इसी को हल करना दोस्तों, आराम से हल करेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की हड़बड़ी नहीं। यदि यहां से हम कहें 1/2 कॉमन ले लें तो बचेगा एक्स माइनस वन ठीक, 2 प्लस एक्स माइनस कितना बच जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस 1 2, कोई उधर पक्ष नहीं बचा है। इन दोनों में से अगर हम 1/2 बाहर कर लें तो क्या बच रहा है, 49 बच रहा है आपका। फिर उसके बाद कितना बच रहा है, 2 प्लस 49 में से 1 घटा दिए, 48 आया है। फिर उधर क्या बचा है दोस्तों, उधर क्या बचा है, माइनस ये एक्स बचा है कितना, एक्स, फिर 2, यहाँ एक्स माइनस कितना बचा, 1 बचा है। चलिए ध्यान से देखते हैं दोस्तों, इधर ये 1/2 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर अब आगे हल करते हैं हम लोग। आगे हल क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यदि आप इनको हल कर पाते होंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का गुणा 1 से कर देंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू 48 2 50 और 49 गुणे कितना हो जाएगा, 50 ठीक, माइनस एक्स का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, फिर माइनस एक्स का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ए, कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस तो प्लस एक्स आएगा ठीक। इतनी बातें आपकी क्लियर हो रही है दोस्तों। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप और हल करना है, सबको देखिएगा, आराम से हल होगा, इनका गुणा कर दीजिए, या तो लेते चलिए 49 गुणे 50 आएगा, माइनस 2x में से 1x जोड़ोगे तो माइनस एक्स आएगा दोस्तों, और उधर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ठीक। ये वाला पद और x स्क्वायर माइनस एक्स, ये वाले पद कैंसिल हो जाए, इधर x स्क्वायर बचा है, उधर आपका क्या बचा है, देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर इधर की तरफ आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और इधर 49 गुणे 50, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़ के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 49 गुणे 50, ये चीज इधर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 गुणे 50 बटे 2, कटा दीजिए तो 25 आ जाएंगे ठीक। अब देखिए इधर से देखिएगा दोस्तों, अब आपका कितना आने वाला वो आप ध्यान दीजिए, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा कर्ली में 49 गुणे 25 ठीक। अब 49 बाहर आएगा, वर्गमूल निकलेगा 7, और 25 बाहर आएगा तो 5 आ जाएगा, गुणा कर दे तो एक्स बराबर 35, यानी वह कौन सी संख्या होगी, 35वीं संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी दोस्तों, 35वीं संख्या होगी जहां से प्रथम और अंतिम पदों का योगफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। एक बार आप इसका जरूर स्क्रीन आंसर जरूर मिलाइएगा अपने दोस्तों, तो बिल्कुल आपका आंसर आया दोस्तों, 35 आई है, जो कि आपका आंसर जो है एनसीईआरटी की बुक से मैच कर रहा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हम अगले सवाल की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने से पहले हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं दोस्तों, कि बहुत सरल सवाल था, केवल आपको इधर से इधर आना था तो x माइनस एक हो जाएगा, पता नहीं x में से कौन सा पद आएगा, इसलिए हम लोगों ने x माइनस एक कर लिए। फिर उसके बाद उधर से आपको 49 तक जाना था तो 49 पदों का योगफल, और फिलहाल जहां से आपने स्टार्ट किया x, वो दोनों माइनस कर देते, फिर हमने हल कर लिया, हमारा आंसर मिल गया ठीक। अब हम बात करते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल का, तो आपको प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में एक फुटबॉल का मैदान में एक छोटा सा चबूतरा बना है, चबूतरा ये है दोस्तों ठीक, ये चबूतरा ठीक, छोटा सा चबूतरा बना है और जिसमें 15 सीढ़ियां बनी है, ऐसे करके 15 सीढ़ियां बनी है, और प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है, सीढ़ियों की जो लंबाई है ना दोस्तों वो कितना है, 50 मीटर है, कितना है, 50 मीटर है। फिर चौड़ाई जो है 1/4 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 1/4 मीटर है, और जो उसकी आगे कह रहा है, और 1/2 मीटर फैला ये चढ़ाई है, ये चढ़ाई है, कहने का मतलब ये आपकी ऊंचाई है दोस्तों, ये ऊंचाई दी गई है, और चौड़ाई जो है वो 1/2 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, 1/2 मीटर है।
तो इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन की गणना कीजिए, यानी जो सीढ़ी हम लोग 15 सीढ़ी बनाएंगे, सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 15 है। तो 15 सीढ़ियों में जितना कंक्रीट लग जाएगा, आपको उस कंक्रीट का आयतन निकालना है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों, हम पहली सीढ़ी का आयतन निकालते हैं। पहली सीढ़ी बनाने में लगा कंक्रीट क्या दोस्तों? लगा कंक्रीट जो होगा वो सीढ़ी के आयतन के बराबर हो जाएगा। सीढ़ी के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। और सीढ़ी का आयतन होता है एल गुड़े बी गुड़े एच, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। लंबाई कितना है भैया? 50 मीटर। चौड़ाई कितना है? 1/4 मीटर। ऊंचाई कितना है? देखिएगा, लंबाई चौड़ाई कितना है? 1/2। चौड़ाई कितना है भैया? 1/4। जाए जो भी कर सकते हैं, तो आप चौड़ाई लिखिए 1/2 और ऊंचाई लिखिए 1/4। हल कीजिएगा तो आप हल करेंगे तो देखिए 50 × 1 = 50 और 4 × 2 = 8, तो 50/18 है पहली सीढ़ी का आयतन, और वो भी मीटर क्यूब में। ऐसे ही हम निकालेंगे दोस्तों दूसरी सीढ़ी बनाने में। कौन सी सीढ़ी बनाने में? दूसरी सीढ़ी बनाने में लगा कंक्रीट। तो अगर हम दूसरी सीढ़ी बनाएंगे, उसमें जो कंक्रीट लगेगा, दूसरी सीढ़ी बना रहे हैं तो 2 का गुना कर देंगे, एल गुड़े बी गुड़े एच, एक सीढ़ी का आयतन। तो इतना तो एक सीढ़ी का आयतन है ना, तो 2 × 50/8 कर डालो, 2 50 का गुणा कर दीजिए तो 100/कितो हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये दूसरी सीढ़ी की है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तीसरी सीढ़ी की, कितनी तक दोस्तों? तीसरी सीढ़ी बनाने में लगा कंक्रीट क्या हो जाएगा? 3 × 3 × LBH, कितना दोस्तों? LBH। तो अब LBH की वैल्यू कितनी आई थी इससे पहले? 100/8 आए थे। तो आप रख सकते हैं दोस्तों, या तो आप अगर यहां से रखना चाहो तो भी आप रख सकते हैं, 50 × 1/ ये देखिएगा दोस्तों, ठीक। तो आप रख लीजिए, आराम से रखिए। देखिए एल की वैल्यू कितनी है? 50 है। बी की वैल्यू कितनी है? 1 है दोस्तों। कितना है? 1/1 कितना है? 2 है। और एच की वैल्यू 1/4 है। तो 50 × 150, 150/8 हो जाते हैं, भी आपका गलत हो जाता दोस्तों। तो ये तीसरी सीढ़ी हो गई। ऐसे कितनी सीढ़ी बनाई गई है? 15 सीढ़ी। तो जो श्रेणी प्राप्त हो रही है वो कितना है दोस्तों? 50/8। जो एपी प्राप्त हो रही है वो 50/8 है पहला सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी कितनी है दोस्तों? 100/8 है। तीसरी सीढ़ी 150/8 है। ऐसे कहां तक? 15 पदों तक, यानी 15 सीढ़ी तक। तो 15वीं सीढ़ी का जो आयतन होगा वो 15वें पदों का योगफल होगा। तो वी बराबर n/2 2a + n − 1 × d। रख दीजिएगा फार्मूले को। n की वैल्यू कितना है? 15/2। a की वैल्यू कितनी है? 50/8 प्लस n की वैल्यू 15 − 1, और d कितना है दोस्तों? 50/8 है, ठीक है। 50 बटे कितना है दोस्तों? 8 है। अब हल कीजिए इसको। देखिए यहां पर हल करेंगे तो 4 आ जाएगा। 15/2, 50 बटे कितना आएगा? 4। और यहां 15 में से 1 घटाएंगे, 16 × 50/8, 8 × 8 = 16, तो आपके आ गए 50 × 100, यानी 15/2 इधर, 50/4 और उधर 100। हल कर दीजिए। तो हल करेंगे तो 15/2 × इनको हल करेंगे ना, तो 450/ कितना आ जाएगा? 4। हल कर डालिए तो इन्हों हल करेंगे दोस्तों, तो आप देखिए कटाइएगा जरा सा, हल कर डालिए। तो यहाँ कटाएंगे तो 2 × 2 = 4, फिर 2 × 2 = 4, फिर 2 × 5 = 10,
225 आएंगे, और 225 गुणे 15 कर दीजिए, 225 गुणे 15 बटे 4, तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। गुणा कर लीजिएगा जो भी आपके आंसर प्राप्त होंगे, या तो आप चाहो तो इनका आप गुणा करोगे दोस्तों तो 750 मीटर क्यूब आएगा। कितना आएगा, गुणा भाग करने के बाद 750 मीटर क्यूब आएगा, अर्थात हमको जो चबूतरा और सीढ़ी बनाने में जो भी कंक्रीट लगे हैं वो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 750 मीटर क्यूब आयतन की कंक्रीट की जरूरत पड़ने वाली है। इसी सवाल के साथ दोस्तों ये पूरी प्रश्नावली क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कुछ बच्चों के मन में डाउट था कि सर ये सिलेबस में नहीं है तो भी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, सिलेबस में नहीं था पर आप आगे किसी भी कोई भी तैयारी करने जाओगे तो वहां पर ये चीजें जरूरी हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया है। अब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपकी इच्छाएं हैं दोस्तों, पर मैं यही राय देना चाहूंगा आप इसको जरूर पढ़िएगा दोस्तों। तो आज की लेक्चर बस यहीं पर समाप्त होता है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्नावली 6 की, जो कि काफी इंटरेस्ट चैप्टर है, बहुत बढ़िया है, वहां से एग्जाम में आपको जम के नंबर पूछता है, आपके कक्षा 9 की कुछ चीजें वहां पर यूज होने वाली है दोस्तों। तो चलिए तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।